ऑडियो 14 पुस्तक का नाम आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या, अथर्ववेदीय चिकित्सा पद्धति के प्रणेता युग ऋषि। आध्यात्मिक चिकित्सा के आचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने वैदिक महर्षियों की परंपरा को इस युग में नवजीवन दिया। उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा के वैदिक सूत्र सत्यों एवं रहस्यमय प्रयोगों की कठिन साधना दुर्गम हिमालय में संपन्न की। उनके द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार यह जटिल साधना स्वयं वैदिक युग के महर्षियों के सानिध्य में संपन्न हुई। वामदेव, कहोड़, अथर्ववर्ण एवं अंगिरस आदि ये महर्षि अभी भी अपने अप्रत्यक्ष शरीर से देवात्मा हिमालय में निवास करते हैं। परम गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने पूज्य गुरुदेव को उनसे मिलवाया था। उन सबने गुरुदेव की पात्रता, पवित्रता व प्रामाणिकता परख कर उन्हें अध्यात्म चिकित्सा के सभी रहस्यों से अवगत कराया। यूं तो ऐसी रहस्यात्मक चर्चाएं गुरुदेव कम ही किया करते थे, फिर भी यदा कदा प्रश्नों के समाधान के क्रम में उनके मुख से ऐसे रहस्यात्मक संकेत उभर आते थे। ऐसे ही क्रम में एक दिन उन्होंने कहा था कि अध्यात्म चिकित्सा की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसका मर्म बहुत इने गिने लोग जानते हैं। अध्यात्म चिकित्सा दरअसल वेद विद्या है। यूं तो इसका प्रारंभ ऋग्वेद से ही हो जाता है, यजु और सामवेद में भी इसके प्रयोग मिलते हैं, लेकिन इसका समग्र व संवर्धित रूप अथर्व वेद में मिलता है। इस अथर्वण विद्या को सही व सम्यक ढंग से जानने पर ही अध्यात्म चिकित्सा के सभी रहस्य जाने जा सकते हैं। यह बताने के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि मैंने स्वयं महर्षि अथर्वण एवं महर्षि अंगिरस से इन रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया है। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर अथर्वा शब्द का अर्थ अचंचलता की स्थिति है। थर्व इति गर्ति नामा न थर्व इति अथर्वा। थर्व का मतलब गति है और गति का अर्थ चंचलता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि सभी प्रकार की चंचलता को अथर्व विद्या की अध्यात्म चिकित्सा से नियंत्रित करके साधक संपूर्ण स्वस्थ व स्थित प्रज्ञ बनाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के मुख से हमने एक और बात सुनी है। वह कहते थे कि वैदिक वाङ्मय में अथर्व वेद के ब्रह्म वेद, भैषज वेद आदि कई नाम मिलते हैं। इन्हीं में से एक नाम अथर्वा अंगिरस भी है। इसका सत्य यह है कि अथर्वा और अंगिरस ये दो ही अलग अलग ऋषि थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट करके यज्ञ चिकित्सा का आविष्कार किया था। अथर्व वेद में अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाएँ अध्यात्म परक, सुखकारक, अभ्युदय प्रदान करने वाली और श्रेय पेय देने वाली हैं, और अंगिरस ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाएँ अभिचार परक, शत्रु संहारिणी, प्रत्यादूषण, शाप निवारणी, मारण, मोहन, वशीकरण आदि प्रधान हैं। सार तथ्य यह है कि अथर्वण मंत्र सर्जनात्मक है और अंगिरस मंत्र संहारात्मक है। अथर्व वेद में अथर्वण और अंगिरस दो प्रकार की चिकित्सा विधियां होने के कारण अथर्व वेद को अथर्वा अंगिरस कहा जाता है। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम अथर्वा का मर्म तो जान चुके हैं, अब यदि अंगिरस का मर्म अनुभव करें तो शब्द व्युत्पत्ति अंगिरस का अर्थ अंगों में प्रवाहित होने वाला रस बताती है। मनुष्य शरीर के प्रत्येक अंग अवयव में प्राण रस प्रवाहित होता रहता है। इसी प्राण रस का प्रवाह प्रत्येक अंग अवयव को सक्षम व सशक्त बनाया करता है। इस रस के सूखने पर या अवरुद्ध होने पर अथवा इसका अभाव होने पर इंद्रियां शिथिल और निष्क्रिय हो जाती हैं और इनका कार्य व्यापार ठप्प पड़ जाता है। जब मनुष्य के शरीर की यह स्थिति होती है तब उसे लकवा, फालिज और मधुमेह आदि रोग हो जाया करते हैं। शरीर में प्रवाहित होने वाले इस रस में जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं तब अनेकों तरह की विकृतियां व व्याधियां पनपने लगती हैं। मनुष्य के मन, मस्तिष्क व हृदय रोगी हो जाते हैं। शरीर के इस तरह रोगग्रस्त होने पर अथर्व वेद के आध्यात्मिक चिकित्सा विधान द्वारा जलाव सेचन, हस्तामिश्मर्श, मणिबंधन, हवन एवं उपस्थान आदि करने से यथा अथर्व वेदी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित औषधि भेषज उपचार से मनुष्य रोग दोष मुक्त होकर स्वस्थ और निरोग बनता है। जलाव सेचन, मणिबंधन, औषधि भेषज आदि उपचार से शरीर के अंगों के विकृत या शुष्क रस सजीव व सशक्त बनते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस अथर्व वेदी अध्यात्म चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। उनका कहना था कि असाध्य रोग, भयंकर दुर्घटना, मारण कृत्य आदि, अभिचार, कर्म, दुर्भाग्य, दैत्य और प्रेत बाधा
पागलपन को अध्यात्म चिकित्सा का मर्मज्ञ केवल सिर पर जल छिड़ककर या सिर पर हाथ रखकर अथवा मणियां बांधकर दूर कर सकता है। जो इन प्रयोगों को जानते हैं उन्हें इस सत्य का ज्ञान है कि अथर्ववेदी अध्यात्म चिकित्सा कोई चमत्कार न होकर एक प्रायोगिक व वैज्ञानिक व्यवस्था है। परम पूज्य गुरुदेव के ज्येष्ठ पुत्र श्री ओम प्रकाश जो अपनी किशोरावस्था में उनके साथ रहा करते थे, गुरुदेव की आध्यात्मिक चिकित्सा से जुड़ी अनेकों अनुभूतियां सुनाते हैं। उन्हें अभी भी हैरानी होती है कि कैसे एक ही पत्ती जड़ अथवा किसी छोटी सी आटे से बनी गोली से वे असाध्य रोगों को ठीक कर दिया करते थे। श्री ओम प्रकाश जी बताते हैं कि चिकित्सा के नाम पर हम उन दिनों आयुर्वेद जानते थे। गुरुदेव के एक ज्येष्ठ भ्राता भी वैद्य थे। उनके द्वारा दी जाने वाली दवाओं का स्वरूप, प्रकार व उनकी विविधता अलग ढंग की होती थी, पर गुरुदेव का तो सभी कुछ अद्भुत था। यहाँ तो वे सामान्य सी पत्ती द्वारा मरणासन को जीवनदान देते थे। श्री ओम प्रकाश जी का कहना है कि उनके प्रयोगों में एक विचित्रता और भी थी, वह यह कि जरूरी नहीं कि रोगी उनके समीप ही हो, उसके हजारों किलोमीटर दूर होने से भी उनकी चिकित्सा में कोई कमी नहीं आती थी। एक सामान्य से धागे को उसके पास भेजकर वह उसे भला चंगा बना देते थे। वह कहते हैं कि उन दिनों तो मैं अनजान था, पर आज लगता है कि सचमुच ही यह अथर्ववेदी आध्यात्मिक चिकित्सा थी। शांति कुंज में तप की अवधि में परम पूज्य गुरुदेव अपने विश्व कल्याण संबंधी उच्च स्तरीय प्रयोगों में संलग्न हो गए थे और उनकी चिकित्सा का स्वरूप संकल्प, प्रयोगों व इच्छा शक्ति तक ही सिमट गया था। रोगी अभी भी ठीक होते थे, उनकी संख्या भी पहले से अनेकों गुना बढ़ गई थी, किंतु अब प्रयोग प्रक्रियाएं बदली हुई थी। अब इन अनेकों के लिए उनका संकल्प ही पर्याप्त था। जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी दृष्टि भविष्य की ओर थी। सन 1989 में जाड़ों में जब वह अपने कमरे के बगल वाले आंगन में पलंग पर बैठे हुए थे, उन्होंने पास बैठे हुए अपने शिष्यों से पूछा, क्यों जी, मेरे जाने के बाद तुम लोग आने वालों का किस तरह कल्याण करोगे? उत्तर में सन्नाटा छाया रहा, कोई कुछ न बोला। तब वह स्वयं बोले, देखो, देह छोड़ने के बाद भी मेरी चेतना हमेशा ही शांति कुंज परिसर में व्याप्त रहेगी। भविष्य में जो लोग यहाँ आए उनसे कहना कि गुरुदेव ने केवल शरीर छोड़ा है, वे कहीं गए नहीं हैं, यहीं पर हैं। उनका तप प्राण यहाँ के कण कण में व्याप्त है। तुम लोग इसे अपने मन प्राण में अनुभव करो और जितने समय यहाँ रहो यह सोचो कि मैं अपने रोम रोम से प्रत्येक श्वास से गुरुदेव के तप प्राण को धारण कर रहा हूँ। इससे उनकी सभी तरह की चिकित्सा हो जाएगी। गुरुदेव के द्वारा कहा हुआ यह सच आज भी प्रमाणित हो रहा है। उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा का जो प्रवर्तन किया, आज उसे विश्व दृष्टि में मान्यता मिल रही है। भविष्य का संपूर्ण व समग्र विज्ञान अध्यात्म। आध्यात्मिक चिकित्सा के संबंध में विश्व दृष्टि इन दिनों सार्थक ढंग से बदली है। विश्व भर के मनीषियों के दृष्टिकोण आश्चर्यजनक ढंग से परिवर्तित हुए हैं। लोक दृष्टि भी इस संबंध में परिमार्जित व परिवर्तित हुई है। आज से कुछ सालों पहले आध्यात्मिक सिद्धांतों, तकनीकों व प्रयोगों को अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया जाता था। लोकमानस भी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से मिली जानकारियों को जीवन के सर्वोच्च संदेश के रूप में सुनता व स्वीकारता था। पर 21वीं सदी के इन 4 सालों में स्थिति काफ़ी कुछ बदली है। विश्व मनीषियों को लगने लगा है कि प्रायोगिक पड़ताल के बिना आध्यात्मिक दृष्टिकोण व तकनीकों को नकारना अवैज्ञानिकता की पराकाष्ठा है। इसी तरह से लोकमानस को यह अनुभूति हुई है कि प्रयोगशालाओं से मिली जानकारियों में शुभ के साथ अशुभ भी मिला हुआ है और इनके अंधे उपयोग से हानियां भी संभव है। अनुभव की इस श्रृंखला में कुछ और अनुभव भी हुए हैं। वैज्ञानिक चिकित्सा के सभी आयामों की अनेकों असफलताएं व भारी दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। इस सच को सभी जानते हैं कि सभी ने प्रायः संपूर्ण 20वीं सदी साइड इफ़ेक्ट्स से लड़ते झगड़ते व पटखनी खाते गुजारी है। इस साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से न जाने कितने मासूम मौत की नींद सोए हैं। एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में कितनी ही नई बीमारियाँ उपहार में मिली हैं। दुनिया भर के कर्णधारों ने इस पर चर्चा भी की है, चिंता भी जताई है, परंतु समाधान न खोज सके। अंत में हार थक कर सभी का ध्यान वैकल्पिक चिकित्सा की ओर गया। चुंबक चिकित्सा, रंग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, न जाने कितनी ही तकनीकें आजमाई गई। इसी क्रम में आध्यात्मिक तकनीकों को भी परखा गया। इससे जो नतीजे मिले उससे सभी को भारी अचरज हुआ, क्योंकि इनमें आशातीत सफलता मिली थी। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये आध्यात्मिक तकनीकें अभी तक केवल आधे अधूरे ढंग से ही जांची परखी गई हैं।
इन्हें अव्यवस्थित एवं अस्त व्यस्त तरीके से ही प्रयोग में लाया गया है। इनके प्रायोगिक क्रम में अभी इनकी वास्तविक और संपूर्ण विधि व्यवस्था तो अपनाई ही नहीं गई है। इसके बावजूद मिलने वाले नतीजों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। इनसे मिलने वाली विश्रांति, घटने वाला तनाव, जीवनी शक्ति में भारी अभिवृद्धि आदि कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन्होंने सभी के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया है। कभी इसे अवैज्ञानिक कहने वाले वैज्ञानिक इसकी वैज्ञानिकता को स्वीकारने पर विवश हुए हैं। इनमें से कुछ ने तो इस बिंदु पर अपने विचारोत्तेजक निष्कर्ष भी प्रकाशित किए हैं। इन्हीं निष्कर्षों में से एक है मार्टिन रुथचाइल्ड की पुस्तक स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स साइंटिफिक डोमेंशंस, यानी कि आध्यात्मिकता और इसके वैज्ञानिक आयाम। मार्टिन रुथचाइल्ड प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उनके द्वारा किए शोध कार्यों को विज्ञान जगत में सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में आध्यात्मिक दृष्टि, सिद्धांत व प्रयोगों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। उनका कहना है, जो आध्यात्मिक सिद्धांतों की वैज्ञानिकता पर बिना किसी प्रायोगिक निष्कर्षों के प्रश्न खड़ा करते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने वैज्ञानिक होने की जाँच करनी चाहिए। रुथचाइल्ड का कहना है कि विज्ञान किसी पुस्तक या विषय का नाम नहीं है, यह एक विशिष्ट शोध विधि है जो एक खास तरह से अध्ययन करके किसी सत्य या सिद्धांत को प्रमाणित करती है। यह कहते हुए मार्टिन रुथचाइल्ड एक सवाल उठाते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धांतों को क्या किसी ने वैज्ञानिक शोध विधि के आधार पर परखने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो फिर उनके शोध पत्रों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। यदि नहीं, तो फिर इन्हें किसी को अवैज्ञानिक कहने का क्या आधार है? इस तरह से तो अवैज्ञानिकता की बातें करना स्वयं ही अवैज्ञानिक है। रुथचाइल्ड अपनी इसी पुस्तक के एक अन्य हिस्से में कहते हैं कि इन दिनों आध्यात्मिक चिकित्सा की ध्यान आदि जो भी तकनीकें प्रयोग में लाई जा रही हैं, उनके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। ये न केवल चिकित्सा जगत के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी है। योग और अध्यात्म की जो भी तकनीकें शारीरिक व मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं, उनके परिणाम किसी भी वैज्ञानिक को यह कहने पर विवश कर सकती हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज द इंटीग्रल साइंस ऑफ द फ्यूचर, यानी कि अध्यात्म भविष्य का संपूर्ण विज्ञान है। शारीरिक रोगों के साथ आध्यात्मिक तकनीकों के प्रयोग मनोरोगों पर भी किए गए हैं। इस संबंध में विलियम बेस्ट की पुस्तक साइकोथेरेपी एंड स्पिरिचुअलिटी पठनीय है। इस पुस्तक में विख्यात मनोचिकित्सक विलियम बेस्ट का कहना है कि अब इस जमाने में मनोचिकित्सा व अध्यात्म विद्या के बीच खड़ी दीवार टूट रही है। मनोरोगों का सही व संपूर्ण इलाज आध्यात्मिक तकनीकों के प्रयोग से ही संभव है। उन्होंने एक अन्य शोध पत्र में यह भी कहा है कि आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाने से लोगों को मानसिक रोगों की संभावना नहीं रहती। इस क्रम में उन्होंने प्रार्थना व ध्यान को मनोरोगों की कारगर औषधि बताया है। अध्यात्म चिकित्सा के संबंध में विश्व दृष्टि को परिवर्तित करने वालों में डॉक्टर ब्रायन वीज का नाम उल्लेखनीय है। पेशे से डॉक्टर वीज साइकेट्रिस्ट हैं, परंतु अब वे स्वयं को आध्यात्मिक चिकित्सक कहलाना पसंद करते हैं। उनकी कई पुस्तकें, जिनकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, अध्यात्म चिकित्सा की सार्थक उपयोगिता को प्रमाणित करती हैं। इनका कहना है कि आध्यात्मिक सिद्धांतों व साधना से ही संपूर्ण जीवन बोध संभव है। चिकित्सा के संबंध में जब भी वैज्ञानिक असफलताओं की बात होती है, तो इसका कारण एकांगीपन होता है। विज्ञान कहता है कि इंसान केवल देह मात्र है, जो सच नहीं है। हमारा जीवन देह, प्राण, मन व आत्मा का संयोग है, और ये संपूर्ण आयाम आध्यात्मिक दृष्टि के बिना नहीं जाने जा सकते हैं। एक अन्य वैज्ञानिक रिचर्ड कार्लसन का अपने शोध निष्कर्ष स्पिरिचुअलिटी कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि आध्यात्मिकता जीवन का संपूर्ण विज्ञान में इन तथ्यों का खुलासा किया गया है। उनका मानना है कि अध्यात्म के बिना जीवन का संपूर्ण बोध असंभव है। कार्लसन कहते हैं कि जिस तरह से कटे हुई अंगुलियों के सहारे मानवीय देह की समग्रता को नहीं जाना जा सकता, उसी तरह केवल देह के बलबूते संपूर्ण अस्तित्व को जानना भी असंभव है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस संबंध में कई सत्यों व तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि जिस तरह 20वीं सदी विज्ञान की सदी साबित हुई है, उसी तरह यह 21वीं सदी अध्यात्म की सदी के रूप में देखी जानी व अनुभव की जाएगी। आध्यात्मिक जीवन दृष्टि, अध्यात्म चिकित्सा के सिद्धांत व प्रयोगों को सभी इस सदी की महानतम उपलब्धि के रूप में अनुभव करेंगे। इसलिए यही उपयुक्त है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ समझें व अध्यात्म चिकित्सा की ओर
कदम बढ़ाएं।